सुंदर अरोड़ा जिंदा मर चुके हैं। ये भी कहेंगे कि भाजपा मेरी सुनवाई नहीं कर रही। प्रोटेक्शन कौन दे सकता? बीजेपी दे सकती है, माड़ी मोटी आम आदमी पार्टी दे सकता। कांग्रेस में पैदा होया कांग्रेस क्यों कमजोर अपने आप को समझते हो कि इन वाल तक को भी साढ़े जो भाई पार्टी छोड़ के गए हैं सुंदरराम अरोड़ा जी, क्या कहने चाहते हैं? मेरे को लगता है कि जिस प्रकार से उनके ऊपर आरोप लगते थे, थोड़े दिन पहले ही एमडी को जो नोटिस ईडी का आया और जेसीटी के मामले में, और उनको लगता था कहीं ना कहीं उसमें कमियां और नाकामियां हैं, और अंदर ही अंदर जो डर सता रहा था उस डर को मारे उन्होंने भाजपा का जो दामन थामा है, उनको लगता है कि अब भाजपा हमें सिक्योर करेगी, हमें बचाने का काम करेगी, इसलिए मेरे को लगता है वो छोड़ के। लेकिन दिक्कत उन्होंने कहा है कि जो जांच है वो अभी भी चलेगी और अभी भी हम मांग कर रहे हैं। दीक्षण सूद जी बेचारे कह रहे हैं, वो तो ये कहेंगे ही आने वाले दिनों में। दीक्षण सूद ये भी कहेंगे कि भाजपा मेरी सुनवाई नहीं कर रही है। तो बिल्कुल जांच तो होनी चाहिए, लेकिन वो जांच बंद करवाने के लिए ही भाई साहब सुंदर श्याम अरोड़ा जी गए। सर सिद्धू मूसेवाले नूं हाले एक हफ्ता होया मौत दा, उन्होंने दिखाया हाले नूं हाले तक दोषी गिरफ्तार तो बाहर आ। हाँ जी, बड़े अफसोस की गल है कि एक हफ्ता होने के बावजूद भी, और सरकार वड्डे वड्डे दावे पेश कर रही है और मुख्यमंत्री खुद भी उत्थे जा चुके ने, और हजे तक भी कोई सुराग नहीं मिलिया। मैं समझदा कि ये बहुत वड्डा सरकार का फेलियर है, बहुत वड्डी एक नाकामी है कि इस तरह का नामी गायक चले जाना जिन्हों पूरी दुनिया के लोग जानते सन। सो ये चिंता का विषय है, हर व्यक्ति इस गल तो डर रहा है, बिजनेसमैन व्यापारी सिंगर, कि आने वाला समा साढ़े नाल कहो जाए। पहले भी पता था पार्टी क्यों अरोड़ा जी के गले के बारे में, नहीं तब कार्रवाई क्यों नहीं की? हाँ, करनी चाहिए थी जिन्हें लोगों को करके। मेरे ख्याल उन्होंने मंत्री पद अहुदे तो लाता सी, कैप्टन अमरिंदर सिंह के समय यह सारा कुछ होया, पर फिर भी हुण उन्होंने वाइस प्रधान बना दिता गया सी। हाँ बिल्कुल, उन्होंने वाइस प्रधान बनाया, उन्होंने आख्या कि जी मेरी जांच है वो चल रही है, और असी ये पूछा कि हाँ भी थोड़े तो जांच चल रही है, वो कहती बिल्कुल यहाँ साढ़े कोई तलुका नहीं है। तो हूँ पता लग्या कि अंदरों अरोड़ा साहब घबराए हुए से, उन्होंने डर सगा कि जड़िया उन्होंने गलतियां कीतियां वो सामने आ जाएंगी, नहीं तो उन्होंने भाजपा का सहारा उन्होंने इसे करके लिया। उन्होंने कहा कि मैं तो फाइल देवांगा स्टेट गवर्नमेंट नूं, तो उन्होंने एक्शन लेने तो लगता भी कैप्टन साहब फाइल देने के दबा के रखेंगे। भाई ये तो कैप्टन साहब ही जानते हैं फाइल नूं। मैं यार कैप्टन साहब की फाइल से ना जानते हुए कहना चाहना है कि कैप्टन साहब की देख रेख के अंदर अगर चीफ मिनिस्टर ने होंगे कोई करप्शन करता तो जिम्मेदार कौन है? चीफ मिनिस्टर भी जिम्मेदार है, बिल्कुल उन्होंने भी इंक्वायरी होनी चाहिए। ना हूँ दीक्षण सूद ही दस गए, हूँ आपस भाई भाई हो गए, हूँ यह फैसला दीक्षण सूद अज इसे करके मैं आया कि एम सी साहब हम खुल के बोलो। मैं कह रहे हैं कि यार जिन्हें जाने पूरी मर्जी है वो जा सकते हैं, जो भी मंगया होया साढ़े पंजाब के पांच सबका मंत्री जेडे कि बीजेपी के शामिल हो गए, सानू दुख भी लगता कि देखो कि तुसी जिसने कांग्रेस की सरकार सी सानू बहुत वधिया मान सत्कार दिता सीगा, आल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने पंजाब प्रदेश ने, चलो कई बार औखा भी समा आ जाता पार्टी के हार जित्ता होंगी आ, ये थोड़ी होंगे कि जल्द धुप आ गई तो आप दौड़ जावे छां में, छां और धुप ये तो आने ही है जिंदगी दे विच निजम आ। पार्टी के रहना चाहिए, पार्टी में काम करना चाहिए हमेशा। मैं प्रधान जी 1998 पहली बार काउंसलर बनया, अज तक काउंसलर काउंसलर हाँ, पांच बार महाराज की कृपा के मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं एक हुशियारपुर का जिन्हें मेयर बनूंगा, ये सिर्फ थोड़ी दया ना मेरे कौंसलर की।
ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ 34 ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਲਕਾ ਜੱਬੇਵਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਮੇਅਰ ਹਾਊਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤਕੜਾ ਆ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਕ੍ਰਿਟੀਸਿਜ਼ਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਪੈ ਕੇ ਲੀਡਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਡਏ ਉਹ ਭੱਜੇ ਡਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉਹ ਲੀਡਰ ਭੱਜੇ ਜਾਣ ਡਏ ਆ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ ਪਰ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰ ਗਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਵੀ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਲਈਏ 117 ਹਲਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਖੰਡ ਦਾ ਮਾਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਦੀ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਨਾ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭੱਜਣਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭੱਜਣਗੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਜਿਹਨੇ ਭੱਜਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਯੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੰਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲੂਗਾ ਪਰ ਰਾਜਾ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਖੀਰਲੇ 4-5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਚੰਗੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰੱਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਸੁੱਖਣਾ ਮੈਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਮੰਚ ਤੋਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਗੁਨਾਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਸਾਥੀਓ ਇਹ ਜੋ ਲੀਡਰ ਬਣਦੇ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਫਾਦਾਰੀ ਔਰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੇ ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪਣੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹਲਕੇ ਦਾ ਉਹ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਰੀ ਹੈ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਣ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਗਮਗਾਈ ਉਹ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਆ
कल शाम के मतलब लैके अज दोपहर तक इस वेले तक मतलब किन्ने क फोन आ रहे हर एक कौंसलर नूं कोई दसदा नहीं मैं खुला बोल दिंदा हर एक कौंसलर के नाल संपर्क किया जाता जाण वाले मंत्री साहब वालों भी जिहड़े मौजूदा मंत्री आ उन्हां वालों भी लेकिन मैं तो तुम्हें भी भरोसा देना चाहता कि जोड़े साढ़े 34-35 कौंसलर है चट्टान की तरह कांग्रेस के नाल खड़े आ और एक मंच पर खड़े आ साढ़े याद आती मैनू गल एक साढ़े आदिया साहब मेरे बहुत सत्कार योग उन्होंने नाल शाम 84 में काम बड़ा किया वो एक अक्सर गल क्या करते होंगे सन शेर के तौर पर कहते होंगे सन कुछ लोग अजिहे होंगे ने जो मुड़ मुड़ चेते आते हैं कुछ जींदियां मोयां वर गए ने कुछ मर के चेते आते हैं तो जिहड़े चल गए ना मैं कल भी किया मीटिंग दे भी तुहानूं सुख की सी इन्हां दा या दसो भी कितने तुहाडी बांह फड़ी जां थाने जां कचहरी जां कितने भी तो असीं अफसोस किस चीज़ का करते हैं अज मुड़ के कांग्रेस हुशियारपुर के सुरजीत हो गई है और तुम बहुत बड़े भागे हो भागा वाले हो जिन्होंने इन्ने वधिया पंजाब के प्रधान मिले आ यूथ प्रधान मिले आ और मैं राजा जी को बेनती करांगा कि हुशियारपुर की लीडरशिप के विच भी किसी ऐसे जे यूथ नूं मौका दियो जो कि इस मरी हुई कांग्रेस में तो कह सकता मरी हुई सी उन्होंने नाल तां क्यों उठने नहीं दिता किसी नूं किसी की आवाज नहीं निकल दिती जे कोई कौंसलर जांदा सीगा चलो हम लफज की परचने तुहानूं सारयां नूं पता वी तुहाडे नाल की सलूक हुंदा सी तां साडे नाल की सलूक हुंदा सी सो मेरी तां बड़िंग जी नूं इहे बेनती है कि जांदे जांदे कांग्रेस दा हुशियारपुर नूं कोई इदां दा चेहरा दे के जाओ जिहड़ा हुशियारपुर की कांग्रेस नूं मुड़ जीवित कर सके और इन्हां दे दुखां तकलीफां किसी भी तरह की होवे उहदे ते पूरा ठोक के पहरा दे सके तुसीं क्यों इन्ने कमजोर अपने आप नूं समझदे हो कि इन्हां वल तक्को भी साडे नाल कौण खड़ू ये तकण कि मेरे कौंसलर मेरे नाल है कि नहीं इन्ने तगड़े कौंसलर बन के दिखाए अज कौंसलर नाल मीटिंग करन क्यों आए क्योंकि सारी की सारी ताकत तुहाडे कोल है साडे मेयर कोल है ताकत ते पार्टी ने दिती है थोड़ी जदों अमृतसर तो या हुशियारपुर तो साढ़े दो दो तीन तीन काउंसलर जा रहे थे तो पार्टी उस तो उदो ज़्यादा डिस्टर्ब होंगी सी अच्छ सुंदर शाम के जाने कोई डिस्टर्बेंस नहीं कितने थोनू आके देख के तो इन्नी तकड़ी हो के पार्टी इतों जा रही है भी कोई वहम ही नहीं जिस तरीके नाल तुसीं मैनू तां मेरे तो पहला मेरे सीनियर लीडर सारे बोल रहे सन भी तुसीं चिंता ना करियो असीं थोड़े नाल आ जदों आवाज मारोगे आ जाएंगे मैनू तां इह लगता है साडे नाल तुसीं लोग हो असीं तकड़े हाँ असीं थोड़े तो ताकत लैके जा रहे हैं तुहानूं ताकत देण इहो जिहा तकड़ा हुशियारपुर का यूनिट होवे ते कमजोर बंदा जिहड़ा छड़ के दौड़ गया तुहानूं सारे वो कमजोरी की जिहड़ी हुणे ही बड़े भाई प्रगट उन्होंने गल करी अज जे कांग्रेस पार्टी इस जगह ते पहुंची है ते उन्हां कारनामिया के करके पहुंची जिहड़े इहो जिहे लोगों ने करे ते सानूं हार दा मूंह देखना अपनिया कमजोरिया आ इतने बैठे हुए मैं ईडी का नोटिस दिखा रहे थे जोड़ा सोमवार को आया तो अज इतवार है शनिवार को दौड़ भी गया ना गलती करके प्रगट जी ने कहा तो ना थोड़ू दौड़ना पैंता अपने वास्ते दौड़े है किसी होर वास्ते नहीं दौड़े ना किसी पार्टी वास्ते दौड़े अपनी कमजोरी है अपनिया ननैकियां जिन्हों लुका बचाने इतों छ